कम बिजली का बिल भी अच्छा काफी कम बिजली का भी लाया अच्छा अच्छा ठीक है, है। तो वो आपकी हाउसवाइफ तब वो रात को कर लेती है तो उससे भी कुछ अर्निंग हो जाती है मैं नहीं, नहीं, नहीं पता चला बिजली <laughs> नहीं थी यहाँ पर हम दूसरे गांव पर मोबाइल चार्ज करने जा रहे थे एक तुर्कवालिया गांव है वहाँ जा रहे थे अब हमारे यहाँ आ गए हम अपने घर पर जांच कर लेते हैं बिजली आई है? अभी इसको मालूम नहीं होगा हमको उस पर टीप डाला होगा हाँ तो जब दिए थे हम हमारा आधार कार्ड भी लगा है इसमें हाँ और बच्चे हमारे पढ़ते हैं दूसरे गांव पर खेलने जा रहे थे टीवी देखने जा रहे थे अब गांव अब नहीं है लेकिन दूसरे घर टीवी अपने गांव ही में देखते हैं इसलिए अपने लगाने से फायदा हो गया हाँ सर फायदा तो हो गया है तो किसको क्या कहने ना? सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आ, क्यों नहीं कहना चाहेंगे वो खुशी है हमको और सरकार हमको बहुत सुविधा दिए हैं इसलिए कि हमको गांव पे बिजली हो गई है अजूरे में रहते हैं कभी अंधेरा में नहीं जाते हैं जो कोई काम करना रहता है रात में काम कर लेते हैं दिन को काम नहीं जो दिन भर नहीं काम कर पाते हैं तो रात में कर लेते हैं यही सर बिजली के लिए कुछ पैसा नहीं लिया गया नहीं सर पैसा तो नहीं दिए हैं हम इस पूरी गांव सभा मझौहा में बारह घर इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं और इस गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अंतर्गत पहले ही पच्चीस इलेक्ट्रिफाइड हो चुके थे और सौभाग्य योजना में यहाँ कुल दो कनेक्शन हुए थे यह गाँव टोटल अनइलेक्ट्रीफाइड था इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिफाइड किया गया और सौभाग्य से जो बचे कनेक्शन थे उसे संतृप्त किया गया है आज के कंडीशन में यहाँ पर हंड्रेड परसेंट घरों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है लोगों का क्या रिएक्शन है क्या किस तरीके से को धन्यवाद दे दे रहे रहे हैं हैं सरकार अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको मोबाइल चार्ज करने पाँच किलोमीटर जाना पड़ता था वो भी किसी परिचित के यहाँ या किस तरह से जाते होंगे एक उजेला ना होने के कारण मिट्टी के तेल से जला करके पढ़ना बच्चों को पढ़ाना या अपना दैनिक कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल होता था और बिजली आने से ये सुलभ हो गया तो लोग धन्यवाद तो देंगे ही और सरकार को इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं कि हम भी अंधेरे से उजाले की ओर आ गए जैसे आप पूरे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम लोग दिसंबर तक पूरा कर लेंगे क्योंकि जो ये सौभाग्य योजना है तो फेज टू लगभग चल रही है फेज थ्री दिसंबर तक पूरी हो जाएगी आ, आपके साथ जो कार्यदायी संस्था है हमारे साथ कार्यदायी संस्था एलएनटी है और एल इस प्रयास में है कि नवंबर तक फेज टू का जितना भी कार्य है वो पूरा कर ले और लगभग हंड्रेड परसेंट जो भी हमारे सौभाग्य का टारगेट है वो पूरा हो जाए और जो जैसे पूरे टारगेट में हमारी ये चीज़ें आती हैं जैसे जहाँ पर एल लाइन बनानी है जहाँ पर एच लाइन बनानी है जहाँ ट्रांसफार्मर को बढ़ाना है और या जिस गांव को नया इलेक्ट्रिफाइड करना है ये काम हमारे फेज टू के लिए थे फेज वन हमारा पूरा हो चुका है और फेज टू नवंबर तक पूरा ही हो जाएगा